नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसानी से मिल जाने वाला हमारे घर के आसपास दिखने वाला यह चिचीटा का पौधा, जिसे अपामार्ग कहा जाता है शास्त्रों में, तो आज मैं आप लोगों को इसी अपामार्ग की वह खास रहस्यमयी जानकारी बताने वाला, तंत्र प्रयोग बताने वाला हूँ, जो कि बेहद अचूक है और अजमाई जा चुकी है और किसी के लिए भी यह लाभप्रद हो सकता है। तो आप इस तंत्र प्रयोग को ध्यान से सुनना और आजमा के देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि इनमें से एक दो प्रयोग मैं भी करके देखा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़ायदा होता है। आप भी करके देखिए, आप भी अगर सच्चे दिल से करोगे तो सच में इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका संक्षेप में परिचय करा देता हूँ। यह अपामार्ग दोस्तों दो प्रकार का होता है। अपामार्ग में दीपन, पाचन, रोचन, कृमिहरण, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, व्रण रोपण, विषाघ्न पौष्टिक इत्यादि गुण पाए जाते हैं। इसकी और औषधीय गुणों के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में इस अपामार्ग का एक और वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी औषधीय प्रयोग के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इस अपामार्ग का वशीकरण तंत्र प्रयोग और उसके अलावा और बहुत सारे शत्रु विजय, जुए में जीत, इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी तंत्र प्रयोग बताया है। तो आज इस वीडियो में इसका यही जानकारी आपको मिलेगा। इस अपामार्ग से दोस्तों क्षार बनाया जाता है और इसका क्षार जो है जीर्ण कफ के विकार में बहुत ही लाभदायक होता है। अंदर में जब कफ जम जाए, बूढ़ा व्यक्ति के सीने में कफ जमने लगता है, तो उनको यदि इसका क्षार पिलाया जाए अपामार्ग की, तो वह कफ जो है धीरे धीरे पतला होकर के निकलने लगता है। अगर क्षार बनाने की विधि अगर आप लोग पूछोगे अपामार्ग की, तो मैं उसका भी वीडियो बना के बता दूंगा आप लोग को कि क्षार किस तरह से तैयार किया जाता है। यह चिचीटा अपामार्ग जो है सर्प विष को भी ख़त्म करता है, बिच्छू के जहर को निकालता है, पागल के कुत्ते के काटने पर भी इसके जड़ का प्रयोग करते हैं, इसके जड़ को पागल कुत्ता अगर काट ले तो पिलाया जाता है, सांप काटने पर भी पिलाया जाता है, बिच्छू के जहर में भी इसको पिलाया जाता है और लगाया जाता है। यह अपामार्ग एक सर्वसुलभ वनौषधि होते हुए भी इसका गुणधर्म हमारे जीवन के लिए, इतनी सुख शांति समृद्धि के लिए इतनी कल्याणकारी वनस्पति है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए आज आपको इसी के बारे में बताता हूं और जानते हैं इसके अद्भुत रहस्य के बारे में। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं इस अपामार्ग की जड़ से किस तरह से हम चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से बिना किसी झंझट के। तो इसकी जड़ में ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ भरी हुई है जिसे आप आसानी से लाभ उठा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इस अपामार्ग की जड़ को अगर गर्भवती स्त्री जब प्रसव पीड़ा झेल रही हो तो उस समय उसके कमर में बांध देने से उसका प्रसव पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाता है और वह सुखपूर्वक बच्चे को पैदा कर लेती है। यह एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया जा चुका है। अगर कोई स्त्री प्रसव पीड़ा झेल रही है, जो कि आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे तो अनुभव किए होंगे, और कोई माता बहनें होंगी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि प्रसव पीड़ा कितनी ज़्यादा भयंकर होता है। अगर उस पीड़ा के दौरान अपामार्ग की जड़ आप रखे रहोगे तो ज़रूर कमर में बांध करके देखना, एक बार भगवान को याद करके उनका नाम लेकर के उनके कमर में इस अपामार्ग की जड़ को सिर्फ बांध करके देखना, उसके बाद आपको चमत्कार दिखता है कि नहीं दिखता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और गाली भी दे सकते हो अगर काम ना हो तो, क्योंकि हमने इस तरह का प्रयोग
खुद अपने घर परिवार के लोगों को ऊपर करके देखा है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और जो दर्द से कराह रही थी प्रसव के पीड़ा में, उनको पीड़ा सामान्य हो करके सामान्य डिलीवरी हो गई और बहुत ही अच्छा सुखपूर्वक हर चीज़ हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि आप भी इसकी जड़ को अवश्य कमर में बांध करके प्रसव कराइए और आपका भी कार्य जो है मंगलमय होगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। अपामार्गस्य बीजम तु गृहीत्वा पुष्य भास्करे खान पाने प्रदायतम राजवस्य करम परम। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ यह है कि यदि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अपामार्ग के बीज लाकर खाने पीने की जो भी चीज़ होती है उसमें यदि राजा को, मतलब राजा के जगह पे आप किसी को भी अगर दे देते हो, खिला देते हो, पिला देते हो, तो वह राजा भी वश में हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो राजा को भी वश में कर देता है यह अपामार्ग के बीज। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस अपामार्ग के बीज को आप ला करके पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन किसी को भी खाने पीने की चीज़ में मिला कर देने से वह वशीभूत हो जाता है, यानी आपकी वश में हो जाएगा, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, आपकी तरफ ध्यान देगा, आपके ऊपर आकर्षित होगा, आप जो भी बोलोगे उसको बहुत जल्द मान लेगा। तो इस तरह से ये अपना असर दिखाता है अपामार्ग का बीज। बस इसका रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र ये दोनों याद रखना, बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और प्रयोग बता रहा हूँ, इस अपामार्ग की जड़ का बता रहा हूँ। अपामार्ग का जड़, धतूरा का जड़, कनेर का जड़ और इसके साथ हरिताल को बकरी के दूध में पीसकर उत्तम दिन तिलक करने से राजकुल में या फिर किसी के विरोध में या फिर जुए में तत्काल विजय होती है। यह बात ग्रंथ में शंकर जी का वचन लिखा गया है, मतलब शंकर जी इस बात को बोले हैं, यह कभी निष्फल नहीं होता। अगर आप कनेर के जड़, धतूरा की जड़, अपामार्ग की जड़, इन सभी के साथ एक हरिताल आता है उसको भी मिला करके बकरी के दूध में पीस कर अच्छे से उत्तम दिन देख करके तिलक करने से जुए में तत्काल विजय होती है। इस तरह से शंकर जी बोले हैं ग्रंथों में, तो आप देख लीजिए इन प्रयोग को भी करके। इसको मैं करके नहीं देखा हूँ, हर एक चीज़ को तो हर एक आदमी नहीं करके देख सकता, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको आप लोग को बता रहा हूँ। आप ज़रूर इच्छुक हों इस तरह के कार्य करने के तो इसे करके देखिए और कमेंट में हमें भी बता दीजिए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। अब मैं आप लोगों को चिरचिटा का यानी अपामार्ग का वह प्रयोग बता रहा हूँ, जड़ का, इसकी जड़ का, जिससे आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। आप चिरचिटा की जड़ ला करके इस प्रयोग को भी आप पुष्य नक्षत्र में अपामार्ग की जो जड़ है उसे ला करके पुष्य नक्षत्र में चिरचिटा की जड़ लाकर शरीर में मात्र लेप करने से उस शरीर में किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है, और अपामार्ग की जड़ को दाहिने कान में धारण करने से भी किसी भी प्रकार का आपके शरीर में कोई खतरा नहीं रहेगा। मतलब आपको सर्प बिच्छू भी छू कर भी नहीं छुएगा। मतलब आप सर्प बिच्छू को भी हाथ लगा दोगे शुभ नक्षत्र में, यदि अपामार्ग की जड़ को लाकर दाहिने कान में धारण करके सर्प बिच्छू को हाथ लगाते हो तो आपको वह नहीं डसेगा, नहीं काटेगा। हालांकि यह प्रयोग
या वैद्य के समक्ष रह कर के करना चाहिए, इस तरह से शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप देख लीजिए इन प्रयोगों को, अगर इच्छुक हो करने की तो कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि मैं आजमा चुका हूँ, और जिसको मैं आजमा चुका हूँ और रिजल्ट देख चुका हूँ, फ़ायदा मुझे हो चुका है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यह अपमार्ग दो प्रकार का होता है, एक लाल अपमार्ग होता है। तो उस लाल अपमार्ग की जड़ को आप सोमवार को अभिमंत्रित करके या फिर किसी तांत्रिक के पास अभिमंत्रित करवा के उसे मंगलवार को सुबह के टाइम उखाड़ करके कमरे में बांधने से, कमरे में बांध देना है। अगर इस तरह से प्रयोग करोगे, लाल अपमार्ग की जड़ को सोमवार को अभिमंत्रित करवा के उसे मंगलवार के दिन सुबह उखाड़ के कमरे में बांधने से वीर्य को यह स्तंभन करता है, वीर्य को स्खलन होने नहीं देता है, अंदर में रोक के रखता है। यह बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी है दोस्तों, आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखना कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति होता है स्तंभन करने का, और वीर्य स्खलन इससे नहीं होता है। तो मैं इस प्रयोग को कर चुका हूँ, आप भी अगर इच्छुक हो तो करके देखना, यह बहुत ही ज़बरदस्त शक्तिशाली प्रयोग है। अब मैं आपको एक और चलते चलते बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, जिससे आप तीनों लोकों के सभी मनुष्य को अपने वश में कर सकते हो। पिष्टवा अपामार्ग मूलम तू कपिला पायसा यतुम ललाटे तिलकम कृत्वा वसी कुर्या जगत्रयम। अर्थात दोस्तों, अपामार्ग की जो जड़ है उस जड़ को गाय के दूध में पीस कर माथे पर तिलक करने से तीनों लोकों को आप वश में कर लोगे, मतलब तीनों लोक आपके वश में हो जाता है, इस तरह से कहा गया है। तो तीनों लोक की बात तो छोड़ो, खैर आप इस तरह से चिटचिटा की जड़ को दूध में पीस करके माथे पे लेप करके देखना, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और इस तरह से माथे पे लेप मैं भी करता हूँ, और इसका मुझे अभी पूरा नहीं बता सकता, लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि पहले लोगों से जो मिलजुल करके प्यार मिलता था वह थोड़ा सा कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसका असर हो रहा है। तो आप भी इस चिरचिटा की जड़ को गाय के दूध में पीस करके माथे पे लेप करके हर दिन अपने कामकाज के लिए बाहर निकलिए और इसका असर देखिए, आपको भी अवश्य फ़ायदा होगा, भले थोड़ा सा होगा लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको भी इसका प्रभाव। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, किसी को भी अपने पीछे पीछे बुला सकते हो, मतलब उसे इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि वह आपके वशीभूत हो जाएगा, मतलब आपसे वह नफरत भरी निगाहों से बात नहीं करेगा, प्यार से बात करेगा। तो आप उसे कुछ भी बात कर सकते हो जो आपके मन में होगा, दिल में होगा। इस तरह से दोस्तों देखा आपने अपामार्ग कितनी शक्तिशाली पौधा है, और हम लोग इसे खरपतवार समझ के फेंक देते हैं या फिर इसको उखाड़ करके कहीं भी फेंक देते हैं। ये तो तांत्रिक प्रयोग है, अगर इसके औषधीय गुणों के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन खोल के उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी इसके औषधीय गुण मिल जाएगी जो कि अचूक और आजमाई जा चुकी है, और उन्हें भी आप आजमा करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो की जानकारी मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हम आपको हमेशा अच्छी अच्छी नई जानकारी देते रहें नए नए पौधे के बारे में। मिलते हैं किसी और नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।